ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुलदीप दिवाकर आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरी इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम 8th क्लास के साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और 8th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये पांचवा भाग है पहले चैप्टर का। इससे पहले मैं पार्ट 1 के 4 भाग अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है, किस तरीके से जुताई की जाती है, जुताई के लिए कौन कौन से यंत्र हम उपयोग में लेते हैं, और इसी के साथ में हमने ये देखा कि बुवाई कैसे की जाती है, कैसे पाटल का यूज़ किया जाता है मिट्टी को समतल करने के लिए, बुवाई क्यों की जाती है और किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से उपकरण बुवाई के लिए यूज़ में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसी कड़ी में आज हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि सिंचाई क्या होती है। दोस्तों, सिंचाई का मतलब होता है कि पौधों को पानी देना। पौधों को पानी देने की जो क्रिया होती है उसको हम सिंचाई बोलते हैं। अब प्रत्येक जीव को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पौधों को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि, विकास, हर तरीके के विकास, फल, फूल, तने, सबके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल जो होता है पौधों के जड़ों द्वारा पौधे के हर भाग में पहुंचता है। जी हाँ, जल जो होता है वो पौधों की जड़ों के द्वारा पौधे के हर भाग में पहुंचता है, और पौधों के जड़ों द्वारा जल के साथ साथ में खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में कितने प्रतिशत भाग जल का होता है, तो 90% भाग जल का होता है। जल और क्या उपयोग करता है, जल बीजों के अंकुरण में भी उपयोग करता है। जल में पोषक तत्व, जल में घुले हुए जो पोषक तत्व है उसका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। ये केशिकात्व की घटना के द्वारा होता है। पौधे में छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं जो इसको ले जाने का कार्य करती हैं। और जल क्या करता है, जल पौधों को गर्म हवाओं से भी बचाता है और मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, इसलिए बार बार जल देने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो बार बार जल देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। मतलब मान लो अगर गर्मी है तो आपको सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, पौधों को ज़्यादा और जल की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से अगर वर्षा ऋतु है तो आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता होगी, शीत ऋतु में भी कम सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अब गर्मियों में पानी की आवश्यकता क्या होती है, क्योंकि गर्मी में जो वाष्पन की दर होती है, जो धूप में पानी सूखता है पौधों में, वाष्पन की दर अधिक होती है, इसलिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, सिंचाई हमें कहाँ कहाँ से करते हैं। एक तो कुओं से करते हैं, जल कूपों से करते हैं, तालाब और झील से करते हैं, नदियाँ, बांध, नहर, ये हमारे पास जल के प्रमुख स्रोत हैं। अब सिंचाई करने के तरीके पारंपरिक कौन कौन से, एक तो मोट है, देखिए आपने यहाँ पे इसने घिरनी लगा रखी है और इसने इस घड़े की सहायता से ये इस कुएँ के अंदर ये इस मटके को भेजता है और पानी इसमें भरकर वापस आ जा बाहर आ जाता है। इसी तरीके से देखिए ये चैन पंप सिस्टम है, इसमें चैन लगी हुई है और उसके सारे बाल्टी लगी हुई है और इस चैन को खींचा जाता है ताकि ये चैन में जो धागा होता है, जो रस्सी होती है, खींचा जाता है ताकि ये जो बाल्टी होती है पानी की ये बाहर आ जाती है। अगला सिस्टम ये ढेकली का सिस्टम होता है, जिसमें एक तरफ हम तने के एक तरफ पत्थर बांध देते हैं, दूसरी तरफ बाल्टी लटका देते हैं और फिर ये अंदर जाके भर के आ जाती है, ढेकली सिस्टम होता है। इसके अलावा ये एक सिस्टम और है जिसको हम रहट बोलते हैं, जिसमें ये बेल जो होता है ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है, इसके कारण ये भी घूमता रहता है और पानी भर के इसके सारे आता है और खेतों में जाता है। ये पारंपरिक तरीके हैं जो खेती के लिए यूज़ आते हैं। आधुनिक जो तरीके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दो तरीके हैं आधुनिक तरीके। एक तो होता है अपना छिड़काव,
और एक होता है बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप सिस्टम जिसको बोलते हैं। एक होता है छिड़काव और एक होता है बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम, जिसको हम ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। छिड़काव में क्या होता है, सभी पौधों पाइप बिछाए जाते हैं खेतों में, और सभी पौधों के ऊपर हम पानी की बरसात करते हैं, छिड़काव करते हैं फव्वारे के जैसे, उसको हम बोलते हैं छिड़काव तंत्र। ये भी बहुत ही उपयोगी है, बलुई मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पाइपलाइंस बिछाई जाती है और पानी बूंद बूंद करते हुए पौधों की जड़ों में दिया जाता है। ये सबसे अच्छी तरीका है, इससे पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, तो ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इस तरीके से ये बेस्ट सिस्टम है। तो कुछ अनवांछित पेड़ पौधे उग जाते हैं खेतों में, उसको हम खरपतवार बोलते हैं। ये अवांछित पौधों को किस तरीके से हटाते हैं, इनको हम एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं निराई, निराई के थ्रू हटाते हैं। अब निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या होते हैं, पौधों के जल पोषक और प्रकाश की स्पर्धा पैदा कर देते हैं। मतलब पौधे को भी हर पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जबकि खरपतवार को भी ज़रूरत होती है। तो जो पौधों को पोषक तत्व मिलने चाहिए वो खरपतवार ले लेती है, तो इस कारण बाधा डालता है ये पौधे के विकास में, तो खरपतवार अच्छा नहीं है। तो खरपतवार को हटाने के लिए हम कुछ रसायनों का उपयोग भी करते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D एक रसायन है, 2,4-D इसका हम उपयोग करते हैं खरपतवारी को नाश करने के लिए। खरपतवार नाशी पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो जैसा कि बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के लिए समय, पुष्पण और बीज बनने के लिए पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय किसान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उनको अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से बुआई की जाए, बुआई के कौन कौन से पारंपरिक तरीके हैं और बुआई के कौन कौन से आधुनिक तरीके हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकल फव्वारा सिस्टम। और हमने ये भी देखा कि खरपतवार क्या होती है, खरपतवार को काटने की क्रिया को निराई कहते हैं, और खरपतवार के नाश के लिए 2,4-D हम यूज़ में लेते हैं। खरपतवार से किसानों को बच के रहना चाहिए, मुँह नाक ढक के रहना चाहिए। खरपतवार नाशी को पानी में घोलकर छिड़का जाता है। इस तरीके से हमने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देखी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।